हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 29 क्वेश्चन है, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो खिलजी शासक के, ठीक, खिलजी शासक के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र जो है सूरत में, ठीक, सूरत में स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शाह बहादुर शाह था। कौन था? बहादुर शाह था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 ईस्वी में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत जो है मंगल पांडे ने की थी। किसने? मंगल पांडे ने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था? तो बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, और अंग्रेजों ने जो है मीर कासिम को, ठीक, मीर कासिम को जो है परास्त किया था। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में, ठीक है, 1885 में, और ये वो होम के द्वारा किया गया था। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। किसने? लोकमान्य तिलक ने कहा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या जो है जनवरी 1948 में की थी। कब की थी? जनवरी 1948 में की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला, यानी सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। कहाँ पर है? सोनपुर बिहार में लगता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला अणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था? तो पहला अणु परीक्षण जो है पोखरण में, कहाँ पर है? पोखरण राजस्थान में किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे? अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, औरंगाबाद के नाम से 2 शहर हैं, जिनमें से एक बिहार में है और दूसरा कहाँ पर स्थित है? तो दूसरा जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक, दूसरा महाराष्ट्र में स्थित है और पहला जो है बिहार में है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, कोलकाता हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो कोलकाता हवाई अड्डा का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे बड़ा स्टील यानी इस्पात संयंत्र कौन सा है?
तो सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भिलाई में है, कहाँ पर है? भिलाई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, पीसा के झुकी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है? तो पीसा के झुकी हुई मीनार जो है इटली में स्थित है, कहाँ पर है? इटली में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा है यानी किस तरह की शिक्षा है? तो भारत में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, क्या है? एक मौलिक अधिकार है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत का मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, ठीक, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? तो भारत में सबसे पहले आम चुनाव जो है वर्ष 1952 में कराए गए थे, कब कराए गए थे? वर्ष 1952 में कराए गए थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार, ठीक, संपत्ति के अधिकार को जो है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से जो है निकाल दिया गया है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वचालित वाहनों के पश्च्य दृश्य यानी पीछे के दृश्य हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो पीछे के दृश्य हेतु जो है उत्तल दर्पण का, ठीक, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, बिजली के संरक्षक तार यानी फ्यूज वायर की विशेषता क्या है? तो फ्यूज वायर की विशेषता है ऊंच प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, ठीक, ऊंच प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक की होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का आयतन जो है पहले घटता है और बाद में बढ़ता है, ठीक, पहले घटता है और बाद में बढ़ता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 29 क्वेश्चन है, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहे आपके यहाँ पे मिलते रहेंगे, आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।